पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक जो कुछ समय से काफी चर्चाओं में था उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने सोमवार यानी कल पेटीएम पेमेंट बैंक जिसको आप पीपीबीएल के नाम से जानते हैं उसके बोर्ड से रिजाइन कर दिया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब वे बैंक के पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नहीं रहेंगे। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक के बोर्ड का पुनर्गठन भी किया गया है। पुनर्गठन के बाद कैसा है बोर्ड का स्ट्रक्चर पहले ये जान लीजिए। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवासन श्रीधर बोर्ड के सदस्य होंगे। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र नाथ सारंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अशोक कुमार गर्ग और रिटायर्ड आईएएस रजनी सेखरी सिब्बल बोर्ड के सदस्य होंगे। हालांकि बोर्ड ने चेयरमैन का पद विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद नहीं भरा गया है, लेकिन पीपीबीएल ने चेयरमैन के नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। रिजाइन और इस्तीफे की बात हो रही है तो पेटीएम में ये कोई पहला मामला नहीं है। बता दें, पेटीएम फाउंडर के इस्तीफा देने से पहले दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं। बैंक ऑफ अमेरिका और प्राइस वाटरहाउस कूपर्स यानी पीडब्ल्यूसी के पूर्व कार्यकारी संजनी कुमार ने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया था। वहीं दूसरी ओर एसबीआई की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मंजू अग्रवाल ने भी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। अब इस्तीफे और पेटीएम आरबीआई वाला मामला आसान भाषा में समझ लीजिए। पेटीएम पेमेंट बैंक और विजय शेखर शर्मा की मुश्किलें 31 जनवरी 2024 से बढ़ गई जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दिया था। पेटीएम पर आरोप है कि कंपनी बैंकिंग रेगुलेशन को लेकर इररेगुलरिटीज बरत रही थी, साथ ही बार बार कहे जाने के बावजूद कंप्लायंस का अनुपालन नहीं कर रही थी। पहले आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद कोई भी कस्टमर पेटीएम वॉलेट में ना तो पैसा डिपॉजिट कर सकेगा और ना ही क्रेडिट ट्रांजैक्शन कर पाएगा और ना पेटीएम वॉलेट में टॉपअप कर सकता है, लेकिन बाद में इस मियाद को 15 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये भी कहा गया कि कस्टमर्स के वॉलेट में जो बैलेंस रकम बचा है उसे वो खत्म होने तक पेटीएम का इस्तेमाल कर सकता है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक ग्राहकों को आरबीआई ने क्या क्या सलाह दी है ये भी जान लीजिए। सैलरी के लिए बैंक अकाउंट बदलने को कहा गया है। सरकारी सब्सिडी हासिल करने के लिए भी बैंक अकाउंट बदलने की सलाह दी गई है। ऑटोमेटिक बिल पेमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट बदलने का सुझाव दिया गया है। मंथली ओटीटी पेमेंट्स के लिए बैंक अकाउंट बदलने को कहा गया है। लोन रिपेमेंट के लिए बैंक अकाउंट बदलने की सलाह दी गई है। फास्टैग प्रोवाइडर बदलने को कहा गया है। नया एनसीएमसी कार्ड लेना होगा। बीबीपीएस के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने को कहा गया है। मर्चेंट्स को नया क्यूआर कोड लेने की सलाह दी गई है जो अन्य बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो। बता दें, पेटीएम अपनी यूपीआई सर्विस पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए ही देता था, इसलिए दूसरे बैंकों के साथ टाइप नहीं होने की स्थिति में 15 मार्च के बाद यूपीआई सर्विस भी बंद हो जाएगी। इसलिए पेटीएम पेमेंट बैंक अपने यूपीआई सर्विसेज को जारी रखने के लिए देश के चार बड़े बैंकों यानी एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक के साथ पार्टनरशिप करने जा रहा है ताकि आपको पेटीएम करने में कोई दिक्कत ना हो। ये तो बात हुई पेटीएम की। विजय शेखर शर्मा के इस्तीफे के बाद पेटीएम के शेयरों का क्या हालचाल है ये भी जान लीजिए। पेटीएम के शेयर में आज लगातार तीसरे दिन 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन 450 रुपए का हाई लगाने के बाद शेयर में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। शेयर फिलहाल 1.57% की तेजी के साथ 435 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बता दें, सरकार भी पेटीएम के मामले को बड़ी गंभीरता से ले रही है। तभी तो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने रेगुलेटरी इश्यूज को लेकर करीब 50 फिनटेक कंपनियों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने रेगुलेटरी नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। इसके अलावा केवाईसी नॉर्म और कंप्लायंस के साथ ही इस सेक्टर में क्या इनोवेटिव किया जा सकता है इस पर भी चर्चा की गई है। बता दें, इस मीटिंग में पेटीएम को छोड़कर रेजर पे, फोन पे, गूगल पे, जेरोधा और अमेजन पे सहित प्राइवेट सेक्टर की कई फिनटेक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।